अब हम देखते हैं कि इलेक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू दोनों चीजों को समझेंगे। मान लीजिए कि आपके यहां पर एमपी या एमएलए का इलेक्शन हो रहा है, एमपी या एमएलए का इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन के अंदर आपके सामने आप जब जाएंगे तो ईवीएम के ऊपर आपको ए बी सी डी चार नाम लिखे हैं, उनके सामने उनकी पार्टी का नाम और सिंबल लगा हुआ है, और फिर आपके सामने बटन है, आप उस बटन को दबाएंगे, आपका वोट कास्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको देखना है कि आप किसे चुनेंगे। मान लेता हूं मैं कि एक जगह पर वोटिंग हो रही है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में मान लेता, मैं अज्यूम करता हूं कि इस जगह पर 500 लोग रहते हैं और 500 के 500 लोग 18+ हैं। 18+ है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल लेवल फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग ये सब वोटर्स हैं, ये सब वोट डालेंगे। अब मैं एक कंडीशन मानता हूं कि ए को मिले वोट 200, इसको मिले वोट 100, इसको मिले वोट 130 और इसको मिले वोट 70। अब आप मुझे ये बताइए कि इन चारों में से कौन जीतेगा। आप कहेंगे कि सर ए जीत गया। तो ये जो सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति जो बाकी सब कंटेस्टेंट से ज्यादा वोट ले आए वो जीत जाता है, उसको बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सबसे आगे रहने वाले की जीत। यही सिस्टम आपके यहां पर मेनली किसमें, आपके सरपंच के इलेक्शन में, यानी कि आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर, एमएलए के इलेक्शंस के अंदर, एमपी के इलेक्शंस के अंदर होता है। इसी सिस्टम से आप फेमिलियर हैं। अब तक आप जो सिस्टम पढ़ते आए हैं वो ये रहा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बहुत सिंपल सा सिस्टम कि सभी कंटेस्टेंट्स में से जिस व्यक्ति ने अपने से अलग जितने भी हैं, मान लीजिए टोटल कंटेस्टेंट्स हैं चार और एक व्यक्ति जो बाकी तीन से ज्यादा वोट ले आए, जो सबसे ज्यादा वोट ले आए उन चारों में से, वो आपका जीत गया। एक और सिस्टम है जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब इसके कई वेरिएंट्स हैं और इसका सबसे ज्यादा फेमस है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसमें कैसे होता है। अब मैं मानता हूं कि ये जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला, ये हमारे राज्यसभा में भी है और ये हमारे राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए इस सिस्टम को चुना गया। याद रखिए कि क्वेश्चन यही बनेगा कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आपके लेजिस्लेचर में है, पार्लियामेंट में, कौन से, लोकसभा में। जब पार्लियामेंट पूछ लिया जाए तब आपको ये नहीं चुनना, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। राज्यसभा और राष्ट्रपति के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को चुना गया है। अब हम देखते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कैसे, देखिए इसमें एक टर्म है कोटा, कि कोटा मतलब मैक्सिमम वो वोट जो हमें जितने लोग चुनने हैं। देखिए मैं आपको ये बता देता हूं एक बार पहले, मान लेते हैं आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दिया गया, मैं मान लेता हूं कि जैसे कि राजस्थान का ये एग्जांपल दिया गया है, राजस्थान की असेंबली के अंदर 200 एमएलए हैं, ठीक है, राजस्थान की राज्यसभा सीटें चार हैं, और अब हम देखें इसमें अगर, तो हमें राज्यसभा में राजस्थान से चार लोगों को भेजना है, तो अब इलेक्शन होगा तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी कि 200 एमएलए वोट करेंगे। अब वोट करेंगे तो जीतने का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कितनी बार वोट करेगा, उसको हम देखते हैं। ये कोटा फिक्स करेगा, यानी कि कोटा बताएगा वो नंबर जो एक व्यक्ति को जीतने के लिए चाहिए। ये सिस्टम कहता है कि टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ वैकेंसीज, सीधा आप लिख लीजिए ना कि कितने लोग चाहिए, प्लस वन एंड लास्ट में फिर प्लस वन, यानी कि इस कंडीशन में देखा जाए
टोटल वैलिड वोट्स में मान लेता हूं कि 200 के 200 लोग वोट करें तो 200 नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 200 बाई 5 प्लस 1 41। अब 41 को आप एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, अब यानी कि 41 जो है वो हमें जीतने के लिए चाहिए। अब 41 को आप अगर मल्टीप्लाई करके देखें 5 से तो क्या आ जाएगा, 205 आ जाएगा। 41 इंटू 5 इज 205, यानी कि 41 वो नंबर है जो हमें जितने चाहिए, हमें 4 चाहिए तो 4 के लिए ये वो नंबर है जो 4 से ज्यादा नहीं जाने देगा। यानी कि 41 वोट केवल 4 लोगों को मिल सकते हैं, 41 वोट पांचवे को नहीं मिल सकते। आप समझे, देखो अगर आपने 41 इंटू 4 किया तो 164 बन गया, 164 बन गया, टोटल 200 है। अब रिमेनिंग कितने बचे, 200 माइनस 164 तो आपके पास बचेंगे 36 लोग आपके पास जो है बचे हैं। अब 36 लोग बचे, जीतने के लिए 41 चाहिए लेकिन 5 तो है ही नहीं, तो कोटा का मतलब है कि आपको 4 लोग लेने हैं ना जी। बोला हाँ। बोला तो हम वो मिनिमम नंबर बता देंगे जिसके जरिए केवल 4 ही चुने जा सके। यानी कि मिनिमम नंबर 41 है कि ये वो नंबर है जिसको अगर ले लिया जाए तो 4 व्यक्ति चुन लिए जाएंगे, पांचवा व्यक्ति नहीं चुना जा सकता। यही कोटा का सीधा सीधा मतलब होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए, और नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज को फुल करने के लिए आपको जितने मिनिमम वोट्स की रिक्वायरमेंट है वो 41 है, यानी कि 4 व्यक्तियों को चुना जाएगा। अब यदि हम देखें तो किसी पार्टी के पास 165 सीटें हैं, मैं मान लेता हूं कि कांग्रेस के पास 165 सीटें हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि बची हुई 35 सीटें किस पार्टी के पास है। 165 सीटें, 165 एमएलए वोट करेंगे और 165 एमएलए हमें चाहिए, 164 और 41 के 41 लोग अपने चुन लेंगे। तो कोटा का मतलब यही है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स आपको दे देगा जिससे कि आपकी टोटल वैकेंसीज फुलफिल की जा सके, उससे ज्यादा कोई भी इलेक्ट नहीं हो सकता, 4 ही होंगे, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। इस सिस्टम को अब हम देखते हैं, ये कोटा है यानी कि जीत के लिए 41 वोट चाहिए, राष्ट्रपति के लिए भी यही कोटा है। मैं मान लेता हूं कि मैं अज्यूम कर लूं कि अगर टोटल वोटर्स जो है वो है 100, तो कोटा कितना होगा, 100 अगर टोटल वोटर्स हैं तो 100, और मैं मान लूं कि वैकेंसी कितनी है, एक। भारत के राष्ट्रपति के लिए मैं आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये सिस्टम समझा रहा हूं, प्रेसिडेंट का एग्जांपल लेकर के। कोटा मतलब बताएगा कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वोट चाहिए। यहां कोटा बता रहा है कि किसी व्यक्ति को राजस्थान की विधानसभा से राज्यसभा में जाने के लिए कितने वोट चाहिए, या राजस्थान की जगह आप हरियाणा लिख देते तो हरियाणा विधानसभा से राज्यसभा में जाने के लिए कितने वोट चाहिए वो बता देता आपको। अगर 100 है, एक ही वैकेंसी है, प्लस 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और प्लस 1 यानी कि किसी व्यक्ति के पास 51 वोट हो तो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा, हाइपोथेटिकल मैं आपको मान रहा हूं। अब देखते हैं कि कैसे सिस्टम चलेगा। आपकी बुक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिस्टम पूरा दे दिया लेकिन पूरी गहराई की बात आपको नहीं बताई, मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, जितना ध्यान आपने लगा दिया एक बार समझ में आ गया फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सा लगेगा आपको फिर, अच्छा ऐसे होता है, ये समझना जरूरी है, ध्यान से देखना कैसे चलेगा। मैं मान लेता हूं कि एक वैकेंसी है और 4 दावेदार है, ए बी सी डी, ये 4 दावेदार आपके सामने खड़े हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, 100 लोग हैं वोट करने वाले, और उन 100 में से अब आपको वोटिंग के लिए यानी कि जीतने के लिए आपको चाहिए 51 वोट। इस तरह का एक बैलेट पेपर दिया जाएगा इन 100 लोग। अब इन 100 लोगों को आपने देखा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या था कि सब लोग एक के सामने, मान लो मैंने बी को टिक लगा दिया और लोगों ने भी टिक लगाए और लास्ट में काउंटिंग हुई और बी को वोट मिल गए 30,
बी को वोट मिल गए 40, सी को वोट मिल ए सी को वोट ए को वोट मिलते हैं 30 और इन दोनों को 10-10, तो ऐसी सिचुएशन में बी जीत जाएगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। लेकिन यहां पर हमें देखना है ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, पीआर सिस्टम क्या कहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है कि आप प्रेफरेंशियल वोटिंग कीजिए। प्रेफरेंशियल वोटिंग यानी कि आप चुनिए कि आपके अकॉर्डिंग ये नहीं तो ये, जैसे आप लाइफ में भी तो ऑप्शन रखते हैं ना कि वो नहीं तो वो सही, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको वोट करना है। मैं मान लेता हूं, मेरा एग्जांपल लेता हूं कि मैं इनमें से एक हूं, तो मैं ये कहता हूं कि जो सी है वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, लेकिन बाय द वे सी ना चुना जाए तो सेकंड नंबर पे ये ए आदमी अच्छा है, थर्ड नंबर के ऊपर भी अच्छा है और डी को मैंने फोर्थ रैंक दी। इसी तरह से सब लोगों ने अपनी रैंक दी, सब लोगों ने रैंक दी। अब इसमें राउंड्स में काउंटिंग होती है, तो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई, फर्स्ट राउंड में कहते हैं कि ए बी और सी को जो काउंटिंग होती है उसमें कहते हैं ये कि जितनी फर्स्ट प्रेफरेंसेस मिली वो सब जोड़ दो, फर्स्ट प्रेफरेंसेस निकाल लो। भाई सी को कितने लोगों ने फर्स्ट नंबर पे रखा, ए को कितने लोगों ने फर्स्ट नंबर पे रखा, ये जो सी है सॉरी बी को कितने लोगों ने फर्स्ट नंबर पे रखा, तो देखा तो पता चला कि ये 40 लोगों ने सी पहले, यानी कि 40 लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, 30 लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, 20 लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और डी को 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता तो ए को जितवा देते सीधा का सीधा कि जा भाई, लेकिन पीआर सिस्टम कहता है कि कोटा जब तक पूरा नहीं होता, 51 वोट जब तक नहीं मिलते तब तक नहीं जीतोगे। अब कहता है सिंगल ट्रांसफरेबल, देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की वोट तो एक ही है आपका, बस वो ट्रांसफर हो जाता है, और वो ट्रांसफर कैसे होगा। अब यहां फर्स्ट प्रेफरेंस की जब काउंटिंग होती है तो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट काउंटिंग में नहीं हुआ तो इस सेकंड राउंड में क्या करेंगे कि ये जो डी है सबसे कम वाले को हटाना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे कम वाले को क्यों हटाया गया, क्योंकि सबसे कम फेवर में वोट पाने वाले व्यक्ति का मतलब है कि सबसे ज्यादा लोग उसी के अगेंस्ट हैं, उसको सबसे ज्यादा डिसलाइक किया गया एज कंपेयर टू एबीसी। तो ऐसे सिचुएशन में जब डी को देखा गया तो हम डी को बाहर निकालेंगे, लेकिन डी के पास 10 वोट हैं, आपको याद रखना है। अब डी के पास 10 वोट है, यानी कि डी इन 10 लोगों की पहली प्रेफरेंस था, तो हम देखेंगे कि इन 10 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा। भाई डी फर्स्ट प्रेफरेंस था तो सेकंड प्रेफरेंस ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी हो सकता है, ए बी और सी यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि मान लेते हैं कि ए को वोट मिला एक, भाई 10 लोग जिन्होंने डी को पहली प्रेफरेंस दी थी उन लोगों की पहली प्रेफरेंस को हटा दिया और सेकंड प्रेफरेंस को देखा, तो सेकंड प्रेफरेंस हो सकता है ए, हो सकती है बी, हो सकती है सी। और जब काउंट किया तो पता चला कि 10 लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस यानी कि सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था, 7 लोगों ने बी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था और 2 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था। बोला अच्छा, बोला हाँ सर, बोला तो एक काम करो इनको एड ऑन कर दो, इन सब में इसको उठाओ +1, ये 7 इसके खाते में जोड़ो, +7 इसके खाते में जोड़ो, +2, और अब टोटल काउंटिंग करके देखो 41, 37, 22, क्या कोटा पूरा हो गया। बोला सर कोटा पूरा नहीं हुआ। बोला ठीक है, अब थर्ड राउंड की काउंटिंग होगी, ये सेकंड में हो गया, अब थर्ड राउंड की काउंटिंग होगी। बोला थर्ड राउंड की काउंटिंग में क्या, डी तो ऑलरेडी बाहर है, अब बोला सी को बाहर करो। सी को बाहर जब किया तो सी के पास 22 वोट है, हमें देखना है कि सी के पास 22 वोट है लेकिन 22 डिवाइडेड है, 22 20 प्लस 2 में डिवाइडेड है। तो वही सेम डी वाला कि जिन 20 लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, कि जिन 20 लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उन लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखो,
सेकंड प्रेफरेंस देखो, बोला सर सेकंड प्रेफरेंस क्या हो सकती है, तो ए हो सकती है या बी हो सकती है, डी तो ऑलरेडी बाहर है, डी को अब नहीं काउंट किया जाएगा। बोला ए को और बी को हम देखेंगे, ये जो दो बंदे हैं इन बंदों में क्या है कि ये वो है जिनकी सेकंड प्रेफरेंस सी था, तो अब इन दो लोगों की थर्ड प्रेफरेंस देखो, थर्ड प्रेफरेंस तो वो भी ए होगा या बी होगा, डी भी हो सकता है, यहां पर भी ए बी डी हो सकता है, लेकिन डी वालों को तो काउंट करेंगे ही नहीं क्योंकि डी तो ऑलरेडी जा चुका है, तो डी को हटा दिया जाएगा। मैं मान लेता हूं कि ये दो लोग और इन दो लोगों की थर्ड प्रेफरेंस ए था, बी को जीरो वोट्स मिले, ठीक है। यहां अगर देखा जाए तो इन 20 में से ए को जो वोट मिले और बी को जो वोट मिलेंगे, तो बी को वोट मिले 15 और ए को वोट मिले 5। ए को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था 5 लोगों ने। भाई मेरा एग्जांपल देखो आप, मैं अगर देखो अपने आप को, तो मेरे लिए सी पहली पसंद है, ए दूसरी पसंद है, बी तीसरी पसंद है, डी चौथी पसंद है, ऐसे ही सब लोगों के लिए है। अगर कोई मेरे से पूछे कि सी को ना देना हो तो किसको दोगे, तो मैं कहूंगा यार ए को देंगे। बोला ए को भी ना देना हो तो, बोला फिर हम नहीं सॉरी सी को ना देना हो तो डी को, और बोला डी को भी ना देना हो तो फिर हमारे ऊपर सी आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ऐसे में ही हमने देखा कि इन 20 लोगों की पहली पसंद तो सी था और दूसरी पसंद ए हो सकती है या बी हो सकती है, तो 5 लोग ऐसे थे जिनकी दूसरी पसंद ए था, सेकंड प्रेफरेंस ए, और बी के लिए 15 थे। बोला आप जोड़ना इनको जरा, तो बोला ए के फेवर में कितने आए यहां से, 5+2 तो 5+2, और यहां कितने आए जी, बोला यहां आए जी 15+0, काउंट करना जरा इसको आप, 46+2=48, और बी के यहां कितने आ गए 52। कोटा किसने पूरा कर लिया, कोटा पूरा कर लिया 52 वाले ने, यानी कि बी ने कोटा पूरा किया और अब जो है बी विजेता है। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में बी पीछे था, बी के 30 ही वोट थे सिर्फ, लेकिन लास्ट यानी कि दो राउंड के बाद बी सबसे आगे आ गया 52 वोट्स के साथ। यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 50% लोग वोट करने वालों का 50% और एक वोट ज्यादा, 50+1 आपके पास वोट हो आप जीत जाएंगे। यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा देखना, तीसरी बार देखना, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, उन वेरिएंट्स को देखते हैं।